मैं हिंट दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप में तेज तरीन बॉल करवाने का एजाज किसको दी है? मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं भी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। क्या आपका जवाब आ गया? 2003 में मिस्टर शुएब अख्तर बॉल्ड फास्टेस्ट बॉल्ड 161.3। वो पूछेंगे क्या मोमेंट था, क्या उस चीज को आपने सेलिब्रेट किया, कैसे किया? बड़ा वो शेव को नेट में खेलते हुए रात को फिर बहुत नहीं, मगर मुझे बताएं यूसुफ उस वक्त तो नहीं, उस वक्त तो ऑब्वियसली फील्ड में ही अंदाजा हुआ था कि दिस इज द फास्टेस्ट, वो लिखा हुआ बड़ा सा आ गया था। सो मतलब उसके बाद की जो बोलिंग वाज दैट, वो ओवरवेल्म हो जाता है इंसान। हाउ डिड ही कंटेन्ड हिमसेल्फ? आप लोग इर्द गिर्द थे, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा? देखिए वो बॉलिंग तो तेज करता था बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है कि उस टाइम सबसे तेज वही था और डेंजरस भी था। हाँ। उसका बाउंसर ना सीधा आता था सर की तरफ जी, मुझे जिंदगी में बॉल नहीं लगा लेकिन उसका लगा मुझे सर पे। अच्छा। हाँ, मुझे जिंदगी में कोई बॉल नहीं लगा। हाँ। उसका लग गया था। अच्छा। क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी जो मुझे समझ आती है, उसका बाउंसर ना सीधा सर की तरफ आता था, बड़ा वेल डायरेक्शन बाउंसर होता है। उसने काफी लोगों को मारा, सचिन को मारा है, लारा को मारा है। मैं कल सहवाग का इतफाक है कि कल ही मेरे सामने वो एक इंटरव्यू पुराना आ गया जिसपे सहवाग कहने लगा कि जान का डर अगर किसी से लगता था ना, शुएब अख्तर से लगता था जान का डर। खतरनाक बॉलर था और वो जब मूड में होता था, रिदम में होता था, फिर और लिथल हो जाता था, तो डेंजरस बॉलर था। इजी हमेशा एक बात कहता होता, यूसुफ कहता है कि शुएब को, इजी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ फास्ट बॉलर से। वो कहता है शुएब का एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन का ट्रिगर खत्म हो जाता है तब जाके ये बॉल करता है। yes. बहुत टाइम लेता था वो क्रीज के ऊपर अपना। हाँ। उसका मोमेंटम ऐसा था कि क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब बॉलर का बॉल डिलीवर होता है ना तो हाँ। बैट्समैन सेट होता है बेल खेलने के लिए। शुएब कभी भी सेट नहीं होने देता था, तो उसका एक्शन ही ऐसा डिसेप्टेड था। yes. और दूसरा कभी कभी हमें वो ना नए बॉल पे ना, एक दफा वसीम भाई ने कहा मजेदारी बात कर रही थी में, यार शुएब तू ना टेल एंडर्स को अब नए बॉल पे ना विकटें नहीं मिलती, वो बीट हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसा कर जो हमारे टेल एंडर है ना, मुश्ताक हो गया, आकिब हो गया, पता नहीं कौन कौन हम जो भी जी, जी। तो इनको ना प्रैक्टिस करा नए बॉल पे, इनके ना इनको विकेट लेने का तरीका सीख। अच्छा। कि ड्रा के इनको कैसे आउट करना है, क्योंकि ये इसका गेंद बल्ले भी नहीं लगता था, पेस की वजह से बीट हो जाते थे लोग। तो शुएब अख्तर को अब नया गेंद दे दिया जाए और हम प्रैक्टिस करें स्टेडियम। अब मैं शुएब के पास गया, मैं कह शुएब शर्त लगा ले, तू मेरे मुंह से स्लिप नहीं लगवा सकता मेरी। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि मैं आराम से लगवा दूंगा मुशी भाई, मैं कह लगवा मैं मार नहीं सकता। अब दो के बोलो उसकी सेंस ऑफ मेरी बहुत अच्छी है, तो दो बोलों के बाद कहता ओ अच्छा आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ और पीछे बाउंसर ना करूं, तो मैंने आगे से चलाकी करने की बजाय मैं सीधा सीधा मान गया। मैं कहा हाँ शुएबी बाउंसर ना मारी यार, तेरा गेम में तो मैनेज नहीं होना। सो ही वाज मुश्किल हो जाता बाउंसर किसी के लिए भी नेट में खेलना, लेकिन किस पेस से बॉल आती होगी, क्या वो फील होती होगी जब मैच अपनी जगह है, लेकिन सेम बहरहाल शुएब अख्तर क्या बात है, क्या टैलेंट है, रिब गार्ड पहनना शुरू कर दिया। अच्छा अब हम बता दें, सॉरी क्विकली, हमारे वकार यूनुस विनर ही नहीं बता पा रहे हम, वकार यूनुस शुएब अख्तर वसीम भाई और जितने भी हमारे सीमर हैं, इनका नाम पूरी दुनिया में जब लिया जाता है ना तो वी फील वेरी प्राउड। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बताते हैं किसने इनाम जीता है, जेरार्ड का जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक नॉस्टैल्जिक है ना, नॉस्टैल्जिक है, इंसान यादों में चला जाता है। इरफान राहिल है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, जो कि लकी विनर ठहरे हैं। और कल का सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विनर का नाम भी आपकी स्क्रीन पर, तो इरफान कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। जे डॉट का परफ्यूम आपने जीता है। yeah. अच्छा जी, ये सवाल जे डॉट का आखिरी सवाल हम कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड कप के एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं, एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शिकार किस विकेट कीपर के हैं, वो आपने बताना है कि बिहाइंड द विकेट्स नहीं, सवेरा हाथ नीचे रखें और अभी रुकें क्योंकि हमारे नहीं, मैं अपने सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। वैसे आई एम श्योर नहीं पता होगा, अभी आप लोगों को भी नहीं पता होगा, आराम से अच्छा। तो आराम से अच्छा हाँ। नहीं कल कल या हिंट लेना है आपसे, आज आखिरी रहने देते हैं जी, कल करेंगे जवाब देने। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है 03177707174। इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करनी है, अभी से कॉल मिलानी शुरू कर दें और आप जे डॉट के कल के परफ्यूम जीतने के लकी विनर आप हो सकते हैं। हाय शुएब अख्तर, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो फिर बताए, मैं फिर उसी सवाल पर फिर से आती हूँ कि क्यों शुएब अख्तर क्यों नहीं, क्या शुएब अख्तर अगर किसी ब्रांड से बात करें, उस ब्रांड के साथ मिलकर एक कोचिंग कैंप लगाएं फॉर दी हंट फॉर दी फास्टेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान, रॉ फास्ट बॉलर, ब्रिंग हिम इनटू द कैंप, कोई 10 से 12 लड़कों से तीन लड़के भी ऐसे निकाल लें, मैं तीन भी, मुझे लग रहा है कि दो ही मिल जाए हमको उस फास्ट प्लेयर्स के,
क्यों नहीं कर सकते हमारे प्लेयर्स, हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे? आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है. हाँ. मुदस्सर नज़र भाई थे ना जब मुडी पा थे, तो उन्होंने ना रिमोट एरियाज़ में, उन्होंने और अली ज़िया ने एक अच्छा काम किया. हाँ. था वो रिमोट एरियाज़ में जाके कैंप लगाते थे कि मशीन लेके ना. Yes. स्पीड. हाँ, मशीन लेके तो वहाँ पर जाके वो कहते थे कि जिसने 135 से 40 से ऊपर स्पीड से बॉल किया ना, रेड बॉल से, क्रिकेट बॉल से, उसको हम सेलेक्ट करके एकेडमी में लेके जाएंगे. और उसमें से आकिफ जवेद नहीं जो फास्ट बॉलर है, आकिफ वो आया था और तीन चार लड़के और मुझे याद है. और टेनिस बॉल से खेलते खेलते वो ट्रायलों पे आ गए थे. अब शुएब अख्तर अगर जाए पीसीबी के थ्रू और रिमोट एरियाज में जाके कहे जी शुएब अख्तर इज लुकिंग फॉर अ फास्टेस्ट बॉलर, नहीं वही बात आ गई ना, क्यों पीसीबी के थ्रू जाए, क्यों वेट करना पड़ रहा है कि पीसीबी की कोई जॉब मिलेगी तो करेंगे? नहीं, व्हाई नॉट ऑन देयर ओन? बड़ा मुश्किल होता है. नहीं नहीं, आपको अगर याद हो तो वसीम अकरम ने एक कैंप कराची में लगवाया था जिसमें फास्ट प्लेयर्स, वो दैट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय, इट वॉज नॉट अ पीसीबी कैंप, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय अ ब्रांड. नहीं, पर आई थिंक शुएब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वसीम भाई के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज विद द लोकल लियाइज, यू नो, विद द लोकल पीपल. ये पीसीबी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कर सकती है. हाँ. ये कोई मुश्किल नहीं है. शुएब अख्तर की सर्विसेज ले ना. हाँ. पीसीबी शुएब अख्तर की सर्विसेज ले सकता है ना, सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर दे, शुएब अख्तर को दो तीन दिन के लिए वहां पे बुलाए. सबसे ज्यादा इस वक्त फास्ट बॉलर कहां से आ रहे हैं? ये अपना नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान, या आपके पेशावर हो गया इस बेल्ट से, ठीक है, आप इधर से मुल्तान से, आप नॉर्थ से आ रहे हैं, इधर से आप देख लें, अब यहां से भी आ रहे हैं, सिंध से भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर मिल रहे हैं. तो शुएब अख्तर का एक टाइम बना लें, 60-70 दिन उसे लें और उसको कहेंगे जी आप सिर्फ फेस हैं. और शुएब अख्तर को जब आप लोगों में ये पता चल जाएगा कि शुएब अख्तर सिंध में आ रहा है, वसीम भाई सिंध में आ रहे हैं, वकार यूनुस सिंध में आ रहे हैं या रिमोट एरियाज में आ रहे हैं, तो वहाँ पे लड़के खुद ब खुद पहुंचेंगे. सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू यूजिंग लाइक दैट. यूसुफ भाई ये चीज एक ऐड कीजिएगा, मैं पूछना चाहता हूँ, एज अ स्टूडेंट भी जाना चाहता हूँ, यूसुफ भाई आप भी ऐड कीजिएगा इसमें. एक फास्ट बॉलिंग है, इसमें आप पेस को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? अगर आप खेलते हैं कोई 130 पर गेंद करता है, 135 पर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आपकी पेस में कितना इजाफा हो सकता है? सेकंडली, अगर एक लड़का है वो तेज़ तरीन बॉलर बनना चाहता है, ये गॉड गिफ्टेड है या ये सीखने से, जो तेज़ तरीन बॉलर बनना मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्विंग आप सीख सकते हैं, रिवर्स स्विंग सीख सकते हैं, तेज़ गेंदबाजी करना, ये गॉड गिफ्टेड है या आपको सीखने से आ जाती है? मैंने तो वैसे ज़्यादातर देखे गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर होते हैं वो तेज़ होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रूम होते हैं, उनको लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं. मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, विकी भाई का इतना पहले गेंद स्विंग नहीं होता था, मेरा ख्याल पेस बहुत ज़्यादा, रिवर्स स्विंग ज़्यादा था उनके. ये तो सीखी जाती है, लेकिन तेज़ गेंद करना, ये जेन्युइन तेज थे ना शुरू से, क्यों ऐसे वो ये सही कह रहे हैं. उमर पता क्या होता है, हम आप अक्सर सुनना है एक्स क्रिकेटर से जो बाहर बैठ के जो क्रिकेट में होते हैं ना, जो या वसीम भाई से सुनना, वकार से सुनना, शुएब से, जो भी फास्ट बॉलर. हाँ. वो कहते हैं इस लड़के में अभी 5 से 6 yards क्विकर हो सकता है. ये अक्सर आपने सुना. हाँ. कि यार इसका गेंद ज़्यादा स्पिन हो सकता है अभी. ओके. उसके पीछे ना टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आपने टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी होती है, कई दफ़ा आपका क्रीज पे आप नहीं रुकते, आपका स्ट्राइड छोटा होता है, स्ट्राइड बड़े करने से आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है. पता है आपको, वो एक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. कहते हैं ना वो छोटी सी टेक्निक जो होती है बैट्समैन की, अगर छोटी सी टेक्निक को ठीक कर दें तो उसकी एवरेज 35 से 45 पे पहुँच जाती है. यही यहाँ से 5 to 6 yards स्पिनर भी गेंद स्पिन ज़्यादा कर सकता है, फास्ट बॉलर में भी स्पीड बढ़ सकती है, एक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और एक्शन को ठीक करके ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं. बिल्कुल. अभी जैसे हम वसीम भाई जब स्टार्ट किया तो उसका एक्शन कुछ और था, जब फिनिश कर रहे थे उसमें कुछ और था, एक्शन बेहतरी आती जाती है. हमारी बैटिंग देख लें आप, जब शुरू किया तो उसमें कुछ और था, जब ख़त्म किया उस टाइम कुछ और स्टाइल था, तो ये चेंजेस आती रहती हैं. क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो क्रीज से बहुत पहले उनका स्टेपिंग फुट जो है वो डाउन हो जाता है. सो अगर अभी तो वैसी स्पेस है उनकी, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपका कि आप क्रीज से कितना पहले आप स्टेप डाउन कर जाते हैं, ऑब्वियसली डिस्टेंस का और उसका उस सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है. और ये वकार को मैंने सुना है अक्सर. Yes. जब वकार कोच थे ना पाकिस्तान टीम के, तो वो अक्सर कहते थे आरिस रऊफ को कि आप फ्रंट क्रीज के ऊपर अगर आपका पैर लैंड करता है ना, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ सकता है, आपकी पेस भी बढ़ी होगी और आपकी लाइन लेंथ में भी और कंट्रोल आ सकता है. क्योंकि ये वो क्योंकि बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, वो तो बहुत ही पीछे होता है. बिल्कुल. तो आई थिंक ये हारिस रऊफ कैन इम्प्रूव. अब कई दफ़ा कम्फर्ट जोन से निकल के ये ट्राई करनी पड़ती है आपको, और ये बात बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम कहते थे, ये चीज़ हारिस रऊफ
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके सीख सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस करे, कोच की बात माने और उसको जाके इंप्लीमेंट करे, दो तीन स्पेल करे फर्स्ट क्लास मैचों में, आपको खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। उसकी वजह पता है कि अगर नहीं कर सकता ना तो उसका पुराना तो है ही है ना वापस। वैसे बिफोर वी मूव ऑन टू समा अकेडमी, एक चीज जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए दैट इफ्तिखार केम बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप एंड एज सून एज ही केम बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप डोमेस्टिक, क्योंकि फर्स्ट क्लास इस वक्त जो है वो हो रहा है पाकिस्तान कप, सो वो ही वेंट इन टू दैट, कोई और लड़का टीम से बाहर नहीं गया। सो वन शुड अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट यस ही इज गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी हुई। हम सब कल इस पर बात कर रहे थे कि ये एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट किया उसने, ऑल दो यू नो थके हुए थे, बल्का बड़ा मुश्किल था, घर जाके बंदा फैमिली को टाइम देता हम इस माइंड नहीं, मगर ये ग्रेट ग्रेट कमिटमेंट। चले समा अकेडमी जानी पड़ते हैं इसके साथ ही, और ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। उमर वारिस की पहली वीडियो है, एज है इनकी 17 ईयर, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। मुशी भाई ये चाइना मैन बॉलिंग, क्या उमर वारिस को बेहतरी लानी चाहिए अपने क्रिकेट में अपने एक्शन में? पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे स्पिनर्स को पीसीबी की बड़ी ज़रूरत है, पीसीबी को ऐसे क्रिकेटर्स की बड़ी ज़रूरत है। देखें ये चाइना मैन जो है ना, आज कुलदीप को देख लें आप, शमसी को देख लें आप, दुनिया के जितने भी चाइना मैन हैं वो बड़े डिफिकल्ट क्रिएट कर वर्ल्ड कप जिता रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये इसका एक्शन भी बहुत अच्छा है, डिसेप्शन डिसेप्टेड एक्शन है, तेज आर्म है, आप देखें इसमें सीधा भी रहा, इसका गेंद स्पिन भी हुआ, ठीक है, इसका एक्शन बहुत अच्छा है, रिपीटेबल है, मगर ये आप फ्रंट आर्म को देखिएगा, अब ये फ्रंट आर्म जब इसका लॉक होना शुरू हो जाएगा और अलाइनमेंट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ही कैन बी ए वेरी वेरी गुड, यू नो दिस इज अ टैलेंट वी लुकिंग फॉर। सुफियान मुकीम हमारे सिस्टम में हाँ हाँ वो वेरी गुड, मतलब वो पीएसएल खेल रहा है, वो अच्छा बॉलर है। ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बॉलर हमें चाहिए, तो जहाँ पे भी ये खेल रहा है लड़का उसके क्लब क्रिकेटर्स को उसके कोचेस को चाहिए कि इसकी वीडियो अपलोड करके हमें तो भेजिए, इवन एनसीए में भेजिए, वहाँ पे जो हमारे कोचेज और एज बहुत इनके फेवर में है, 17 साल के अभी, मैं कह रहा हूँ चेंजेस 17 साल यूसी नोट करना इस बच्चे की। एक इसी तरह का बच्चा बॉलिंग कर रहा था एक दिन पहले, मैं जब थर्सडे को मैंने देखा था वो बॉलिंग कर रहा थर्सडे करते हैं। मुशी भाई इस लड़के को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। असद अफरीदी 19 ईयर पिशावर से ताल्लुक है, बैटिंग यूसुफ भाई यूसुफ। अच्छा एक तो मैं पहले तो मुझे ना ये वाला स्टाइल मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, और ग्रिप भी मुझे इनकी कोई मज़े की नहीं लग रही। बाकी ये वेट शिफ्ट अच्छा कर रहा है। अच्छा असद को क्या मशवरा देंगे फौरी, अगर हम मशवरा देते हैं, अगर छोटी उम्र है 19 साल है, एक तो अपनी बैट ग्रिप ठीक कर लें और बैट थोड़ा नीचे रखें। ग्रिप क्या करें, बैट नीचे करें, ग्रिप को क्या ठीक करें? ग्रिप ठीक करनी पड़ेगी इनको, ये तो क्रीप हो तो बताए ना, ये इनकी ऐसे है ये इस तरह है, ये मजे की ग्रिप नहीं होती। असद अपनी ग्रिप ठीक करनी है आपने, और बैट शिफ्ट ठीक कर रहा है, बैट बहुत ऊपर है, देखें उसके शोल्डर के ऊपर बैट है, तो जब खेलने जाएंगे तो और ऊपर जाएगा। मेरा होता था विकेट के करीब, जब खेलना होता था फिर ऊपर जाता था, फिर वो फिर मोमेंटम मिलता है। जैसे ब्रायन लारा का, तो ब्रायन लारा की बैक लिफ्ट बहुत हाई थी, लेकिन पहले नीचे थी, पहले ऊपर नहीं होता। हमें टाइम है हमारे पास, क्या एक और वीडियो दिखा सकते हैं? पिंडी से 19 साल है। अच्छा ये लेग स्पिन, दो तीन एंगल से वीडियो बनाइए। शादाब ये फिंगर स्पिनर लग रहा है, पता है ये ऑफ स्पिनर नहीं, मैं पहले समझा ऑफ स्पिनर, सिंगल स्टंप, सिंगल स्टंप जो है उसने बढ़ाई है। नहीं ये अजीब से है, ये फिंगर स्पिनर लग रहा है, पूरा ऊपर फुल आर्म नहीं, ऊपर से नहीं आ रहा। ये जो श्रीलंका का नहीं, वो जो ओपन करता है, क्या नाम उसका, सही तरह बनी अब ये पता है, वीडियो में नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक्यूरेसी चेक करें, मैं कह रहा हूँ कि देखें बड़ा सिंपल सा एक्शन है, ये फिंगर मार रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। अगर आप ये देखना बड़ा मुश्किल है, करीब से देखना, लेग ब्रेक हो रही है मुशी भाई, हां वो लेग ब्रेक कर रहा है मुशी भाई, हां लेग ही लेग ब्रेक तो कर रहा है, लेग ब्रेक कर रहा है ना, हां लेग ब्रेक कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये लेग ब्रेक का रिस्ट जो है ना, इन्होंने बनाया। चलिए जी ये जो है ना, ये वीडियो भाई आप करीब से भेजें कि आपका पता भी चले, एक्शन के हवाले से भी पता चले, करीब से ये देखेंगे। यस वो सिंगल स्टंप तोड़ा लिए, पर एक्शन बिल्कुल वो होगा।